नमस्कार, आप देख रहे हैं जेबीटी एंटरटेनमेंट। मैं हूं आपके साथ शालिनी श्रीवास्तव। इंडस्ट्री का सबसे बड़ा अवार्ड नेशनल फिल्म अवार्ड जीतना हर स्टार्स का सपना होता है। साल 2023 के 69वें नेशनल फिल्म अवार्ड में कई लोगों का सपना पूरा हुआ है। जी हां, सिनेमा जगत के दिग्गज सितारों को उनकी धमाकेदार परफॉर्मेंस के लिए उन्हें नेशनल अवार्ड से सम्मानित किया गया। यह अवार्ड फिल्मी हस्तियों को दिल्ली के विज्ञान भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दिया। वहीं 69वें नेशनल फिल्म अवार्ड में बेस्ट एक्टर का अवार्ड जो है वो अल्लू अर्जुन को मिला है। वहीं बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड आलिया भट्ट और कृति सैनन को दिया गया है। बेस्ट फिल्म का अवार्ड सरदार उधम सिंह को मिला है। इसके अलावा अलग अलग कैटेगरी में कई स्टार्स को नेशनल फिल्म अवार्ड दिए गए हैं। आइए जानते हैं कि किन किन स्टार्स 69वें नेशनल फिल्म अवार्ड से सम्मानित किया गया है। गौरतलब है कि 24 अगस्त को नेशनल फिल्म अवार्ड विनर्स के नाम की घोषणा कर दी गई थी। दिल्ली में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 17 अक्टूबर को फिल्म पुरस्कार के विजेताओं को सम्मानित किया। 69वें नेशनल फिल्म अवार्ड्स में अल्लू अर्जुन को फिल्म पुष्पा द राइस के लिए बेस्ट एक्टर का अवार्ड दिया गया है। आलिया भट्ट को फिल्म गंगूबाई कातियावाड़ी के लिए बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड दिया गया। वहीं कृति सैनन को फिल्म मिमी के लिए ये बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड दिया गया है। बताते चले कि बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड संयुक्त रूप से आलिया भट्ट और कृति सैनन को दिया गया। आइए अब 69वें नेशनल फिल्म अवार्ड्स विनर की पूरी लिस्ट पर एक नजर डालते हैं। बेस्ट फीचर फिल्म का अवार्ड रॉकेट्री नंबी एफेक्ट्स को दिया गया है। वहीं बेस्ट एक्टर का अवार्ड अल्लू अर्जुन पुष्पा द राइस के लिए उन्हें दिया गया। बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड आलिया भट्ट को गंगूबाई कातियावाड़ी एंड कृति सैनन की बात करें तो उन्हें मिमी फिल्म के लिए दिया गया है। वहीं बेस्ट सपोर्टिंग का रोल मिमी फिल्म में पंकज त्रिपाठी ने निभाया था, जिसके लिए उनको अवार्ड से सम्मानित किया गया। बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस का पल्लवी जोशी को अवार्ड गया है द कश्मीरी फाइल्स के लिए। बेस्ट हिंदी फिल्म सरदार उधम सिंह के लिए उनको दिया गया है। बेस्ट पॉपुलर फिल्म का अवार्ड RRR को दिया गया है। बेस्ट प्लेबैक सिंगर मेल का अवार्ड काल भैरव को दिया गया है। बेस्ट प्लेबैक सिंगर फीमेल का अवार्ड श्रेया घोषाल को दिया गया है। बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड निखिल महाजन को गोदावरी द होली वाटर के लिए दिया गया है। बेस्ट म्यूजिक डायरेक्शन का अवार्ड जो है पुष्पा एंड RRR को गया है। वहीं बेस्ट एक्शन डायरेक्शन की जो अवार्ड की बात करें तो किंग सोलोमन RRR को दिया गया। बेस्ट कोरियोग्राफर का अवार्ड प्रेम रक्षित को दिया गया है RRR के लिए। बेस्ट कॉस्ट्यूम डिजाइनर का अवार्ड सरदार उधम सिंह को दिया गया। बेस्ट प्रोडक्शन डिजाइनर का अवार्ड जो है सरदार उधम सिंह को ही गया है। बेस्ट एडिटिंग का जो अवार्ड है गंगूबाई कातियावाड़ी के खाते में गया है। वहीं बेस्ट सिनेमेटोग्राफी की जो अवार्ड है वो भी सरदार उधम सिंह को दिया गया। बेस्ट स्पेशल इफेक्ट का जो अवार्ड है वी श्रीनिवास मोहन को RRR फिल्म के लिए दिया गया है। स्पेशल जूरी अवार्ड जो है वो शेषा को मिला है। बेस्ट एडिटिंग का अवार्ड संजय लीला बंसाली को गंगूबाई कातियावाड़ी के लिए दिया गया है। तो ऐसी और बड़ी अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए जेबीटी एंटरटेनमेंट। नमस्कार।